हेलो फ्रेंड्स, चावला म्यूजिक मैनिया में आपका तह दिल से स्वागत करता हूं। मैं कुलवंत चावला फ्रॉम पंजाब आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट में लिखा था कि लेफ्ट हैंड में कॉर्ड बेस लगाने हैं कैसे लगते हैं, तो आज मैं बताने जा रहा हूं। मगर यही बेस कॉर्ड हम लेफ्ट हैंड पे लाने जा रहे हैं और जो ये लीड वाले पियानो है इसको राइट हैंड पे लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो। तो दोस्तों अभी तक म्यूजिक मैनिया चावला म्यूजिक मैनिया जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज़ आप पहले उसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखो लाइक और वीडियो को डाउनलोड मत किया करो। अगर वाचिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है अगर आप सीधे डायरेक्टली देखोगे, इतना सा ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। नीचे दे रखा है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा देना दोस्तों। और चलो हम चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह है हमारा XPS 30 कीबोर्ड। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि राइट हैंड वाले कोड बेस कोड लेफ्ट हैंड पे कैसे करते हैं। इसको स्प्लिट भी बोला जाता है। पहले स्प्लिट बोलते थे यामा में या किसी भी छोटे कीबोर्ड में स्प्लिट का नाम दिया गया था। अब इसको की रेंज का नाम दे रखा है इन्होंने। कीबोर्ड में की रेंज का नेम से हम एडिट करेंगे। तो चलते हैं शुरू करते हैं दोस्तों। मेनू एडिट एंटर परफॉर्म एडिट एंटर और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है पियानो और सेकंड नंबर पे लगा हुआ बेस कोड। ये पियानो लगा हुआ है राइट हैंड पे बेस कोड है। अब इसको हमने कीबोर्ड स्विच पियानो वाले को ऑफ रखना है और इसको बेस कोड वाले को ऑन कर देना है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। ये लेवल अपने हिसाब से लेवल रख सकते हैं और RX चैनल ऑन होना चाहिए। ये MFX रिवर्ब जैसे बनाते हैं वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इससे आगे वाला पिच आ जाएगा। कीबोर्ड पे जाकर हमने इस पे काम करना है। कीबोर्ड स्विच एक नंबर का पियानो वाला ऑफ है और ये ऑन है। वो वहाँ भी पहले नंबर पे भी आपको दिखा दिया है। अब इसको की रेंज को जो पियानो वाली रेंज है इसको माइनस कर देना है। ये शुरू से हो जाएगा। यहाँ पर बेस कोड बज रहे थे और इसकी रेंज हमने करनी है ऊपर तक F5 तक। इसको माइनस करके F5 पे ले जाना है। F#5 पे E5 पे रखी है मैंने। अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो इसको, कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहीं पर रखता हूँ। और ये हो गया हमारा पियानो का रेंज नीचे से लेकर। और दो नंबर पे हमने काम करना है। इसकी रेंज जो बेस कोड वाले की है ऊपर फुल कर देनी है प्लस 9G9 और इसका जो ये वाली रेंज है E5 पे है ये, इसे एक कम रखना होगा हमने प्लस करके। ये ई है और इसको ई F पे रख लूँ। और इससे आगे करने वाला काम है इसकी ऑक्टव रेंज सेट करनी है हमने। जैसे हमने एक नंबर को ऑक्टव किया था ये नीचे है, थोड़ा बेस ज़्यादा हो गया है, इसको शार्प कर लेंगे एक ऑक्टव सीधा ऊपर चला जाएगा। और इसको बेस कोड पे ये इसको कम से कम दो ऑक्टव ऊपर कर लेंगे। जैसे आपको हैवी चाहिए तो तीन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका तैयार हो गया पियानो वाला।
मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि ये वाले कोड हमारे राइट हैंड पे चले गए हैं, इधर वाले कोड इधर आ गए हैं और पियानो हमारा इधर। तो दोस्तों इसको सेव करना है, राइट कर दो, राइट के बाद परफॉर्म राइट पे एंटर कर दो और इसके बाद इसका नाम लिख सकते हो आप और इसको एंटर करेंगे कितने भी नंबर पे आप परफॉर्म पे रखना चाहोगे। मैंने 128 पे रखा हुआ है ये, इसको अगर एंटर कर देंगे तो यहीं सेव हो जाएगा। मैंने पहले कर रखा है, मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों आप वीडियो देखो, इसको लाइक करो, आगे कमेंट करके बोलो, अगर नहीं पता चला तो फिर दोबारा से मैं बताने को आपको तैयार हूँ। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ दे रखा है, आप बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।